जो कीमती समय निकालकर यहां पर आज मेरे छोटी सी काल पर यहां पर पहुंचे। मैं दिल की गहराइयों से अपने व्यापारी भाइयों का शुक्रगुजार हूं। रहा बिजली का मसला, हम मैंने दो तीन दिन पहले एक्सिन साहब से रिक्वेस्ट की कि लाइट के बिना हमारा जो व्यापार है वो टोटली जीरो हो चुका है, क्योंकि लाइट के बिना जो मेरे व्यापारी भाई हैं उनका दारोमदार इस लाइट के ऊपर है। लेकिन उन्होंने हमारी बात को इग्नोर किया। आज हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आपके मीडियम के माध्यम से उन्हें ये आगाज करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि लाइट के बिना जो हमारा निजाम है वो खराब हो चुका है। मेरे भाई, जो लाइट के बिना वोहनी के बिना घर जाते हैं, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल की बात है। हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारे छोटे छोटे भाई, आज एजुकेशन का मसला है। T1, T2, T3 है वो शुरू हो चुका है। मैं लाइट ना होने की वजह से बहुत ही मुश्किल आ रही है। मैं मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइट का निजाम जो ठीक होना चाहिए। लाइट कब आ रही है, कब जा रही है, कोई पता नहीं। जो बिल हैं वो मंथली इतने हैवी आ रहे हैं कि हमें मुश्किल हो रही है बिल पे करने में। आखिर में फिर जो लाइट का मसला है वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो फिर हम सड़कों पर आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये जो जिम्मेवारी है रिएक्शन साहब को होगी। आखिर में फिर मीडिया का दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सिर्फ यहाँ के पूंछ में जो मेन प्रॉब्लम है बिजली की, हमारे एजेंडे में यही है। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे खास का जो व्यापारी तबका है वो बहुत ही परेशान हो चुका है, क्योंकि पहले ही कोरोना की वजह से यहाँ पर जो काम धंधे बिल्कुल चौपट हो चुके हैं, लोगों में परेशानी, और व्यापारी मजबूर हैं, परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर आज तकरीबन 10-15 दिन से यहाँ पर बिजली की इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है कि ना ही कोई टाइम फिक्स किया गया है कि कट कब से कब तक है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, खासकर बिजली डिपार्टमेंट के एक्सीएन से, कि वो अगर कहीं बिजली की परेशानी होती है तो पब्लिक को पहले इन्फॉर्म किया जाए कि इतने घंटे से घंटे का काटा कब से कब तक है, ये टाइम मेंशन होना चाहिए। क्योंकि अगर जम्मू वगैरह में कहीं भी शटडाउन होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले दी पब्लिक को दी जाती है, जिससे लोगों में कोई जो है वो परेशानी नहीं आती और लोग अपना उसी शेड्यूल के मुताबिक काम करते हैं। और आज 5-6 दिनों से यहाँ पर इतनी हालत खराब हो चुकी है कि 15 मिनट के लिए लाइट आएगी, उसके बाद फिर चल जाती है, फिर आधा घंटा आएगी, फिर चल जाती है, फिर कोई पता नहीं कब इसका कट हो जाए। और उसकी वजह से हमारा जो व्यापारी तबका ही नहीं बल्कि पूरी पब्लिक जो पूंछ की है वो परेशान है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि हमारी इस परेशानी को जल्दी से जल्दी हल करें, ताकि लोगों को टाइम पर यहाँ पर लाइट दी जा सके, क्योंकि इसी लाइट की वजह से हम कॉन्फ्रेंस है। ये हमारे परमजीत जी मिंटू जो प्रेसिडेंट व्यापार मंडल, उनकी क्यादत भी की जा रही है, क्योंकि सिंस लास्ट 2 मंथ्स यहाँ पे लाइट का कोई पता नहीं है कि लाइट कब आनी है, कब जानी है। कम से कम जब इन्होंने कट करना है तो सभी जो भी सिटीज हैं, यहाँ तक के रिजौरी में भी अगर लाइट कट होती है तो वो बता देते हैं कि पेपर में आ जाता है, पब्लिश हो जाता है प्रिंट मीडिया में, अपना प्रिंट मीडिया में वो दे देते हैं कि आज जो कट होने वाला है इतने बजे तक। लोग अपने उसी हिसाब से शेड्यूल फिक्स करते हैं। अभी हमारे पूंछ में तो ये हो गया कि अगर एक बूंद पानी गिर जाएगा तो लाइट बंद हो जाएगी। अभी तो नेट पे 3 दिन बारिश जो है वो बता रहे हैं, तो उसमें तो फिर पूरा धर्मवर्म हो जाएगा। देखिए, इस वक्त लाइट नहीं है, पूरे रेडियो वाले, टीवी वाले, फोटो स्टेट वाले, चाय वाले, बर्फी वाले, जितने भी हलवाई हैं जिन्होंने डीप फ्रीजर लगाए हुए हैं, वो पूरे के पूरा उनका जो बिजनेस है वो ठप हो चुका है। हमारी एक्शन साहब से यही अपील है कि सर उनको पे जो है लाइट कट ना कट हो या हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अपना जो पे मिलती रहेगी, लेकिन हम दुकानदार कहाँ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। परमजीत सिंह मिंटू की क्यादत में जो व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, ये पब्लिक की और व्यापार मंडल की बड़ी एक कंप्लेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसमें कुछ सुधार रहे। लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, पब्लिक में देखो या मार्केट में देखो। तो हम
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को और एक्सिम को ये कहते हैं कि जो बिजली का जो लाइट का सिस्टम है वो ठीक करें ताकि जो बाकी सारे सिस्टम ठीक चलें।